अभी ना मेरे स्कूल का टाइम आ रहा है, ये देख मैं अपने स्कूल के कपड़े दिखा, ये देखा आप ना टाई और बेल्ट और कमीज की और स्कर्ट की दिन है, तो मैं ये पहन के जाऊंगी। अन्ना मम्मी ना देखो यहाँ पे फैला रही है, यहाँ पे मम्मी अभी अक्कू के स्कूल का बैग सेट कर रही है, तो ऐसे में तो ऐसा लग रहा है ना कि फैल रहा है। हाँ, तो क्योंकि अभी देख रहे हैं ना क्या क्या देना है आपको। तो दोस्तों मेरे पापा ना अभी बहुत देर तक सोए थे और अभी उठ रहे हैं, और हम जल्दी उठ गए थे। हाँ, और ना मेरी आंखें ना ऐसे हो रही है, मेरा भी सोने का मन कर रहा है पर कैसे सोऊंगी मैं। सही तो, क्योंकि स्कूल जाना है। अगर स्कूल नहीं होता है ना, जब मैं छोटा था ना मेरा स्कूल नहीं खुला नहीं था ना, तब रोज मैं फोन देखता था और मैंने रात को पापा का ना पासवर्ड खोल दिया। पापा के फोन का पासवर्ड पता चल गया आपको? मैं ऐसे मैंने ना पहले ना 3 फिर 9 दबा दिया फिर खुल गया, और जब मैंने अभी निकाला मेरे सामने खुल, तो मैंने खोला तो वो बार बार ऐसे खुला जा रहा था, उसका पासवर्ड ही नहीं आ रहा था। तो दोस्तों हम मिलेंगे स्कूल से जाते हुए, तब तक ले। दोस्तों अभी ना मैं स्कूल जा रही हूँ और मम्मी ना मेरा टिफिन रख रही है। मम्मा अपने जो बनाए टिफिन में, आज अक्कू के लिए टिफिन में बना है आलू का पराठा। आलू का पराठा, आलू का पराठा खाएगा ना क्या स्कूल में? और मेरे पापा ना अभी सोए थे और अभी अभी उठ रहे। अभी तक पापा फ्रेश होने गए, आए नहीं अभी तक। हाँ? है ना, आपको हाँ? तो देख करा देते हैं पापा। हाँ, फिर मैं देखो मेरे स्कूल के लिए कितने बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं ये देखो लो। 7 बजने वाले हैं। 7 बजने वाले हैं, 7 बजने वाले हैं, है ना? 7 बजने वाले हैं। आपको देखो पूरा रेडी हो गया है ना। हाँ, दिखाओ, मैं दिखाती हूँ। गुल्ला गुल्ला ना गुल्ला है, गुल्ला गुल्ला ना गुल्ला है। गोरा गोरा लग रहा है आपको, बड़े खुश हो रही है आपको, है ना? आज बारिश भी नहीं हो रही, आज तो सही है ना, वरना बारिश में जाना पड़ता। चलो अब आपको नाश्ता करेगी, ठीक है? और आपको का बैग मैंने पूरा सेट कर दिया है, क्या क्या देना है सब कुछ चीज़ें रख दी हैं। और ये है अक्को का टिफिन, ये अक्को की पानी की बॉटल, सो इन्हें भी रखेंगे। इसमें आलू का पराठा है अक्को, ठीक है? पूरा फिनिश करना। नहीं। क्यों, क्या खाना है आपको? आलू का पराठा नहीं खाना? चलो तक तो पूरी रेडी हो गई है ना, शूज भी डाल लिया आपको ने। और नाश्ता भी हो गया आपको का, बिल्कुल रेडी हो गया। बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी भी, पर हल्की हल्की हो रही है, क्यों भीगो ही नहीं आप? ठीक है, चलो चलो बाय कर दो अब सबको, सब बोलो इसको बाय। अपने सब्सक्राइबर को बाय कर दिया आपको, है ना? अब कब मिलेगी आपको? स्कूल से आने के बाद। हाँ चलो, पापा भी रेडी हो गए, आपको बैग लेंगे। बाबू भी जाता है। चलो को बारिश बस, ठीक है? क्या हुआ, कैसे खुल रहा है? पकड़ने से पकड़ना, ढीला हुआ होगा ना थोड़ा सा। क्या हुआ ढीला? बारिश बारिश शुरू हो गई भाई, जल्दी चलो। लाओ मेरे पापा आपको, बाय। तो ये देखो बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, तो अभी ना हल्की बूंदा बांदी हो रही है, हल्की बहुत ही हल्की, वरना सुबह के टाइम तो भयंकर बारिश होती है। तो अभी दोस्तों आपको स्कूल जा चुके हैं और आज का व्लॉग ना आपको ने स्टार्ट किया,
क्योंकि वो कल रात को कह रही थी कि मम्मी मैं ब्लॉग बनाऊंगी मैं बनाऊंगी, तो मैंने इसे रेडी करके मैंने कहा चल बना ले ब्लॉग। तो कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको अक्कू का ब्लॉग स्टार्टिंग अच्छा ही लगा होगा। और अब जब आएगी तब मिलेगी आपको आपसे। तो फिलहाल तो आपको के पापा गए कोको छोड़ने के लिए, तो मैं अभी पी रही हूँ यहाँ पे चाय और साथ में मैंने रस ले लिया। या अक्कू ने ना बिस्किट छोड़ दिए थे, क्योंकि अक्कू ना सुबह नाश्ता नहीं करती है, भाई चाय में बिस्किट वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें खा लेती है, वैसे नहीं करती है, जैसे पराठा रोटी सब्जी ऐसी चीज़ें नहीं खाती है सुबह सुबह, बस टिफ़िन में जो देती हूँ वो पूरा फिनिश कर देती है। तो फिलहाल तो बारिश वाला मौसम भी हो रहा है, और आज मुझे हॉस्पिटल दोबारा जाना था चेकअप कराने, क्योंकि मेरी ना मेडिसिन सारी ख़त्म हो गई है जो बीपी की चल रही थी। तो मैं सोची थी कि दोबारा चेक करा के अगर नॉर्मल है तो सही है, अगर वैसी है तो फिर दवाई वगैरह और भी चलेंगी फिर तो आगे के लिए। तो इसलिए अभी देखते हैं, अगर बारिश नहीं होगी तो फिर चलेंगे, और अगर बारिश होगी तो फिर तो कैसे ही जाना ना। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, और सुबह की चाय के साथ मतलब सुबह की जो चाय होती है शाम की, अगर जब भी मैं लेती हूँ तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि खाली चाय से ना गैस्ट्रिक की दिक्कत होती है, तो जैसे चाय के साथ कुछ ले लिया तो फिर इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और सुबह सुबह इस टाइम पर ना भूख भी लग जाती है, सच तो यह है। तो इसलिए चलो मैं चाय और फ़ैन इन्जॉय करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया लगभग 9 बजने वाले हैं, और घर के सारे काम हो चुके हैं, तो मैंने नहा भी लिया है। आज बाल वॉश नहीं करे क्योंकि कल करे थे, तो फिर मैं डेली नहीं करती हूँ। और पतिदेव कर रहे हैं इधर पूजा, तो ये पूजा करेंगे और तब तक मैं बनाती हूँ नाश्ता। तो इनके लिए तो क्या बनाना, आलू का पराठा बनाऊँ? तो इनके लिए आलू का पराठा बना देती हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ना अक्कू के लिए बनाया था, तो मसाला बचा हुआ है तो मैं तो खाऊंगी नहीं, तो इन्हीं के लिए बना देती हूँ, और अपने लिए रोटी, और उसके बाद चलते हैं हॉस्पिटल। और बाहर का मौसम भी सही है अभी, मतलब बारिश वगैरह कुछ है नहीं ऐसे, तो चलते हैं, क्योंकि फिर अगर कल परसों के चक्कर में रहे तो फिर अगर तेज़ बारिश हो गई तो फिर जाना नहीं हो पाएगा। और आज फिर कुछ काम भी नहीं है घर का, तो हॉस्पिटल वाला ही काम निपटा लेते हैं, एक बार चेकअप करा लेते हैं, तो क्योंकि अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो लेना भी ज़रूरी है। और फिर यही सब चल रहा है, मैं बनाती हूँ फटाफट से रोटी। गर्मा गर्म आलू के परोंठे खाने चाहिए, बनाना पतिदेव के लिए बन गया है यहाँ पे आलू के पराठे गर्मा गर्म। पतिदेव के लिए भी, पतिदेव के लिए, पतिदेव के लिए बोला मैंने, पतिदेव के लिए बोला। और हमारे लिए बन रहे यहाँ पे रोटी, उन्होंने बोला है कि बेटा ऑयली चीजें मत खाना, हम रोटी खाते हैं। सुहाने मौसम में तो आलू के पराठे पकौड़े खाने का ही मन करता है। सही बोला तुमने, इनको तो मैंने कल भी पकौड़े खिलाए थे आलू के प्याज के, आज मैं इनको आलू के पराठे खिला रही हूँ। सही बात है, देखो इतना ध्यान रखते हो। कल कल से ना जब आलू के वो पकौड़ी खाए थे प्याज की पकौड़ी, पेट ना ऐसा फूल फूल रखा मेरा। अब भाई ऐसी चीजें खा के तो होगा ही ना। तो कल मेरे को ना टाइम नहीं मिला था, फिर मैं शाम को गया था 6-7 बजे कटिंग करवाने। हाँ। तब देखो दोस्तों मैंने फाइनली कटिंग करवा दी। आज मेरा लुक चेंज हो गया। अब मैंने ना थोड़ी सी सेविंग करता हूँ, उसके बाद दुपहर चलता हूँ अक्कू को लेने, तो ब्लॉग बनाऊंगा अपना बढ़िया वाला, है ना। तुम्हारा भी बनाना है, तुम्हारा क्या बनाना है यार ब्लॉग बेकार हो गया। तुम एक चार दीवार में कैद हो गए, कोई बात नहीं, फिर भी हम ब्लॉग बनाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम बनाएंगे फिर भी ब्लॉग। हम बनाएंगे, हम छोड़ेंगे, चाहे व्यूज आए ना आए, कोई दिक्कत नहीं। किसने कमेंट करा था कि अगर मैं आपकी वीडियो बार बार देखूंगा तो व्यूज जुड़ेंगे? पर ऐसा नहीं है, नहीं जुड़ेंगे, एक ही बार होता है। बार बार देखोगे तो पता चला ना, ना बार बार देखने से व्यू काउंट नहीं होता है, मगर एड चलता है ना बार बार, उससे और दिक्कत हो जाती है, उससे दिक्कत हो जाती है। तो आप एक ही बार देखें, पर हाँ अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए, आप शेयर कर सकते हैं। लगता है कि इसने गोल रोटी बनाई है तो सेव हो सकती है वीडियो। ये देखो दोस्तों एकदम गोल रोटी यार, ये तो माननी पड़ेगी भाई इसकी बात। चलो जब अच्छी बनते ना तब नहीं दिखाते, इसलिए मुझे दिखानी पड़ती है। दिखा तो दिया,
चलो फिर बनाओ जब तक है। बनी गई, तुम ले जाओ अपना नाश्ता। नहीं, साथ ही खाएंगे भाई। साथ क्या खाना, जब साथ एक जैसा नाश्ता ही नहीं खा रहे हम तो। तुम दिखा दिखा के खिलाओ, दिखा दिखा के खाओगे। नहीं, दोनों साथ ही खाएंगे। तुम कहाँ आलू के पराठे खाओगे, हम खाओगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार। अच्छा बुआरी जी, अच्छा। और ये मेरा। ओ भाई साहब, मलाई कभी मेरे को ना एक चम्मच नहीं देती खाने के लिए, पापी। चलो, अरे ओ लिया ना यार, थोड़ा घी और लिया। इतना कम है? इतने घी में नहीं चलेगा मेरा काम, कुछ ये घी ठीक ठाक। वैसे मैं कभी खाता नहीं, जब खाता हूँ तो फिर ठीक ठाक ही। कभी खाते नहीं है घी, जब खाता हूँ तो फिर दलगना खा देता हूँ मैं। हमेशा ब्लॉग में देखते हैं दलगना दलगना। तो दोस्तों, ये है पतिदेव की नाश्ते की थाली, आलू के पराठे, घी और साथ में चाय। और इतने सुहाने मौसम में पतिदेव के लिए मस्त सा नाश्ता मैंने रेडी कर दिया है। और मेरी थाली ये है रोटी, और ये है लौकी चना, और ये है मलाई में भी मैं रोटी खा लेती हूँ। और मैं चाय नहीं पी रही, तो फिर ये जो जूस लेके आए थे ना, तो ये पीऊँगी मैं उसके बाद, नाश्ता करने के बाद। और मुझे ना कमेंट आए थे कि ये जो पैकेट वाले जूस होते हैं ना, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, तो ये नहीं पीने चाहिए क्योंकि इनमें मिलावटी कलर वगैरह ऐड होते हैं। तो यहाँ पे ना वैसे जूस नहीं मिलता जैसे फ्रूट से एकदम फ्रेश निकाला जाए अपने सामने, ऐसे कोई जूस की दुकान नहीं है यहाँ पे, तो पैकेट वाले लेने पड़ते हैं। और फिर ये भी कमेंट आए थे कि इससे बढ़िया आप ना फ्रूट्स खाओ, तो फ्रूट्स वगैरह भी मैं खा लेती हूँ। पर ये है ना कि मेरी ना जो मॉर्निंग की दवाई है आयरन जो होती है, तो वो जूस के साथ के लिए बोला हुआ, इसलिए मुझे वाले पैकेट वाले लेने पड़ते हैं। और अभी ये ना पूरा ले आए थे, 10 थे ना उसमें, तो 10 से तो 5 खत्म हो गए, 5 रह गए, तो वो ख़त्म करने, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर घर में ही मतलब फ्रूट से जूस निकालने का सोचेंगे, उसी से निकालेंगे। वैसे हमारे पास ना वो नहीं है, मिक्सर नहीं है हमारे पास, तो गाँव में है तो फिर गाँव से क्या यहाँ लेके आना, तो ये वाला सीन है, तो इसलिए ना पैकेट वाले जूस ला रहे हैं ना। अब खा लो गर्मा गर्म पराठे। यहाँ बैठो, यहाँ मेरी कुट्टी रोड़ी के, कुट्टी रोड़ी के तेरी माया की चिपली ढूंढो माँ, कुट्टी रोड़ी के मेरी कुट्टी रोड़ी के। तो इसी के साथ साथ हम खाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। खुट्टी तो रड़ती रहेगी, आजकल बसकाल का मौसम है तो खुट्टी रड़ी जाती है इधर उधर कहीं। सिंगालू से रखा वैसे भी गाँव में, तो सिंगालू बोले तो काई, काई काई को गांव में बोलते हैं सिंगालू, सिंगालू नहीं सिंगालू। तो अभी हम टेस्ट करते हैं कैसे बना रही है रितिका ने आलू के पराठे। बिल्कुल बिलवाण मर्च नहीं, इसको तो आदत पड़ गई है वैसे बनाने का। तो दोस्तों मुझे पता ही रही है, ऐसे ही कहेंगे कि नमक नहीं है, तो नमक इसलिए नहीं है कि अब आदत सी हो गई है कम कर खाने की। तुमने तो आलू परांठे खाने, तो फिर भी मैंने इसमें डाला है और नमक और फिर मिर्ची भी डाली है, आपको के लिए तो मिर्ची नहीं डाली थी। जैसे ब्लॉग में इसको आदत पड़ेगी ना, और वैसे खाने में नमक डालने की आदत। पहले तुम्हें क्या आदत पड़ रखी थी? तो हाँ, तो हर बात पे हम अभी ना वहाँ गए थे तो अब आ गया। और चलो चुप रहो। और तो दोस्तों ये तो मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे, तो नाश्ता करते हैं फटाफट, रोटी ठंडी हो जाएगी और फिर किचन वगैरह सफाई करके, किचन की सफाई करके फिर तैयार होके निकलते हैं अपने हॉस्पिटल, है ना। अपने हॉस्पिटल, अपने हॉस्पिटल जब तक वहाँ चल रहा है मेरा चेकअप, तो मेरा ही हॉस्पिटल है। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया लगभग 10:30 हो गए हैं, और घर के सारे काम निपटा दिए हैं, और हॉस्पिटल जाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी भी हो गई हूँ। पतिदेव भी रेडी हो गए हैं, ये देखो फ़ोन में लगे हुए हैं, अभी पता नहीं क्या देख रहे हैं। तो ये मेरी रिपोर्ट्स और मेरा पर्स सब कुछ रेडी है, और बस अब निकलते हैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और फिर इसकी एडिटिंग भी होनी है अभी, देखते हैं। और अक्कू को लाने का भी टाइम आएगा, जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगी, और पता नहीं तब तक मेरा नंबर आएगा भी या नहीं आएगा, अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो फिर अक्कू के लाने का टाइम हो जाएगा, फिर इनको जाना पड़ेगा अक्कू को लेने के लिए, है ना। यस, ऐसा हो जाएगा सीन। तो फिर सब ये भी बिजी हो जाएंगे, तो इसलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज मैं स्मार्ट लग रहा हूं। हाँ, कटिंग जो करा रखी है। तो
मिलेंगे आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।